पलक सिसवानी इन दिनों टीवी सीरियल तारक मेहता का चश्मा में काम कर रही हैं। ये उनके करियर में डेब्यू शो है। तारक मेहता का चश्मा में पलक सिसवानी सोना का रोल कर रही हैं। इस शो में उन्होंने नीतू भानुशाली को रिप्लेस किया है। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले पलक सिसवानी ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। इतना ही नहीं, वह आर्थिक तौर पर भी काफ़ी कमज़ोर थी। पलक सिसवानी की आर्थिक हालत इतनी ख़राब थी कि वह 2000 रुपये बचाने के लिए अपना घर बदल दिया था। इस बात का खुलासा खुद पलक सिसवानी ने किया है। उन्होंने हाल ही में अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया से बात की है। इस दौरान उन्होंने अपने करियर के बुरे दिनों के बारे में बताया है। पलक सिसवानी ने कहा, मुझे याद है कि मैंने शुरुआत में अभी ऐड करना शुरू किया था और मैंने अपने पिता को नहीं बताया था। मेरे पिताजी को इस बारे में उनके दोस्तों ने बताया था कि उन्होंने मुझे एक ऐड में देखा है। हालाँकि उनकी माँ को इस बारे में सब कुछ पता था। उन्होंने पिताजी को समझाया कि वो पैकेज में निकले ये सब कुछ कर रही हैं, कुछ गलत नहीं कर रही हैं। वह आखिरकार समझ गए क्योंकि वह पढ़ाई और काम में संतुलन बिठाने में सक्षम थी। अपना आर्थिक संकट के बारे में बात करते हुए पलक सिसवानी ने कहा कि वह पीछे में रहा करती थी मुंबई में। उन्होंने बहुत सारे घर भी बदले, पर मुंबई में घर बदलती थी क्योंकि 2000 रुपये बचा सकें। आखिरकार उन्होंने 1 BHK फिर 2 BHK अपार्टमेंट में रहने लगी। अब अंत में वह 3 BHK अपार्टमेंट में रहती हैं जो कि किराए से है। तारक मेहता का चश्मा काम करने के 6-7 महीने बाद उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था। उस समय वह 1 BHK में रहती थी। जब वह कॉलेज में पढ़ती थी तब वह PG में रहा करती थी, पर अब जब उनके पास शो है तो वो 1 BHK में शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने अपने भाई के साथ चर्चा में कहा अब अपना किराया दे सकती हैं। उन्होंने अपना बजट मिला लिया है और वे अपने भाई माता पिता के साथ शिफ्ट हो गए हैं। उनका एक छोटा सा परिवार है। उनके भाई एक कलाकार है। लिविंग रूम बहुत छोटा सा है। लॉकडाउन के दौरान वे अपने यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहती थी पर उनके हाथ में कुछ नहीं था। लिविंग रूम बहुत छोटा था और कमरे की हालत इस तरह नहीं थी कि वह अपना यूट्यूब चैनल चला सकें। उन्होंने कुछ सोचा और अपने भाई के साथ मिलकर सोफे की हालत ठीक करने के लिए 15,000 रुपये का बजट बनाया और छोटा सा सोफ़ा लिया, छोटे छोटे प्लांट और प्यारे से लैंप लिए, एक पेंटिंग लेकर आए और लिविंग रूम में एक कोने में सेटअप कर दिया। उन्होंने अपने वीडियो शूट करे जिससे उनके करियर में आकार आया और अब वे अपने परिवार के साथ बहुत खुशी रहती हैं। उन्होंने बताया कि उनका जीवन भले ही धीमा है पर स्थिर है। पलक सिसवानी की और जानकारी पाने के लिए हमारे पार्ट 2 को देखें जिसमें हम उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।